शक्ति की उपासना और आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप का पूजन किया जा रहा है। वाराणसी में नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री देवी के अलईपुर क्षेत्र स्थित मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। वाराणसी में देवी भगवती के नव स्वरूपों में अलग अलग मंदिर हैं, जहां नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर नवमी तक श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करते हैं। आज के दिन हम लोग दर्शन करने के लिए वे ताबीज से लाइन लगाए हुए हैं, दर्शन करने के लिए, माँ का दर्शन पाने के लिए हम लोग परेशान हैं। अच्छा, ये नौ देवियों में ये कौन से देवी हैं जिनका आज आप लोग दर्शन कर रहे हैं? ये हैं शैलपुत्री माता हैं, इनको दर्शन करने के लिए हम लोग लाइन लगाए हुए हैं, इनके दर्शन करने के लिए हम लोग कब से आगे खड़े हुए हैं। संगम नगरी इलाहाबाद में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। शक्तिपीठ कल्याणी देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग देवी माँ के दर्शन पूजन कर उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद ले रहे हैं। भैया प्रथम दिन माता के फरहर बिना नहाए धोए फरहर करते हैं, उपवास रहते हैं। कभी कभी नौ दिन में अष्टमी दिन निराजली भी रहते हैं, जो समय एक समय खाया जाता है और माँ का उपवास किया जाता है। वहीं मिर्जापुर में विश्व प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी मंदिर में सुबह 4 बजे होने वाली मंगला आरती से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया। देर रात से ही भक्त कतार में लगकर माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए अपनी बारी आने की इंतजार कर रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी के दरबार में नवरात्रि का पर्व जो है प्रारंभ हो चुका है। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है और नवरात्रि के प्रथम दिन बता दें, इस वर्ष की नवरात्रि में कई सुयोग एकत्रित हुए हैं। इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आज की तिथि में जो है हस्त नक्षत्र लगा हुआ है और हस्त नक्षत्र में कलश स्थापना का विशेष महत्व है और माँ के नवरात्रि में जो है अगर हस्त नक्षत्र लग जाता है तो विशेष कृपा भगवती की होती है। आपको बता दें कि जहां नवरात्र पर देवी मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है तो साथ ही मंदिरों पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी से काशीनाथ, इलाहाबाद से सैयद और मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य, पंजाब केसरी टीवी।